स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इन एसिड बेस एंड सॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टॉपिक इंडिकेटर्स। बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यू कैन से डाई ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हिच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ if any substance is given to you, it means if you are having any unknown substance, so whether it will be acid or base, वो आप इन indicators का use करते हुए पता लगा सकते हैं। So indicators basically दो तरीके के होते हैं। First of all natural indicators and second one which are synthetically prepared in the lab, which are called synthetic indicators। हाँ बोलो। Basically जो natural indicators होते हैं, those are obtained from nature, it means from plants, they are the extract of plants, जो कि हमें different plants से मिलते हैं। तो पहले हम discuss करेंगे natural indicators। So natural indicators, it means those are obtained जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो कि हमें प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से मिल रहे हैं, जो कि आपके फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से मिल रहे हैं या लीफ के एक्सट्रैक्ट से मिल रहे हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में जो सबसे पहले और सबसे कॉमन नेम आता है वो है लिटमस। लिटमस क्या है? बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ पर्पल डाई। इसका जो बेसिक कलर होता है वो पर्पल कलर होता है और लिटमस जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइकेन प्लांट। डू यू नो व्हाट इज लाइकेन? हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, जब हमने ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें लाइकेन का नाम पढ़ा था। लाइकेन इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगस, जिसमें जो एल्गी होती है बिकॉज इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, वो क्या करती है? वो खाना बनाती है। उसका काम होता है खाना बनाना फॉर फंगी। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है लाइकेन का वो है फंगस। सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड फंगस। सिम्बायोटिक, व्हाई वी आर सेइंग इट सिम्बायोटिक? क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं एंड दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें एल्गी जो है वो खाना बनाता है बिकॉज इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सो इट मेक्स फूड फॉर द फंगस, एंड फंगस बिकॉज इट इज सेप्रोफिटिक इन नेचर, तो ये क्या करता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो फूड डिजॉल्व फॉर्म होते हैं मिनरल्स के, उनको डेड ऑर्गेनिज्म से एब्सॉर्ब करता है। तो दोनों एक तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो लाइकेन इज बेसिकली अ प्लांट ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ग्रुप का ये प्लांट होता है जो कि हमें वहां से मिलता है। और इस लाइकेन के एक्सट्रैक्ट को, लाइकेन को क्या करा जाता है, इसका जूस निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है और उसको लिटमस के तरीके से यूज किया जाता है। तो अगर हम इसका न्यूट्रल कलर लें या नेचुरल कलर लें, तो न्यूट्रल मीडियम में ये एक पर्पल कलर की डाई है और इस न्यूट्रल को दो सब्सटेंस मिला के, दो केमिकल्स मिला के, दो अलग अलग कलर में चेंज। नाउ दिस न्यूट्रल कलर और पर्पल डाई विल बी चेंज इनटू डिफरेंट कलर्स। इट विल बी चेंज इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। दो अलग अलग कलर्स में चेंज कर दिया जाता है और इसको पेपर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है इस सॉल्यूशन को। इट मे बी यूज एज ए सॉल्यूशन आल्सो इन लैब, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर बेसिकली, जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर या ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी आप एसिड ड्रॉप करते हैं, एसिड की ड्रॉप्स को इस पे मिलाते हैं और आप इसमें ऐड करते हैं, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इट विल चेंज इनटू रेड कलर। ठीक है? नाउ अगर हमने अब रेड लिटमस पेपर लिया और इस पर कोई भी बेस डाला, तो बेस डालने पे इसका कलर दोबारा से चेंज होके चेंज इनटू ब्लू कलर। तो इस तरीके से लिटमस इज बेसिकली अ न्यूट्रल डाई, इट इज अ डाई
which whose neutral color is purple. और जब इस पर्पल कलर को हम चेंज करते हैं ब्लू लिटमस में तभी कहलाता है ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन एंड रेड में देन इट विल बी कॉल्ड एज रेड रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर. नाउ व्हेन वी ऐड एसिड, जब हमने ब्लू लिटमस में एसिड को ऐड कर दिया इट विल बी चेंज इन टू रेड कलर और जब रेड लिटमस में बेस को ऐड किया इट विल बी चेंज इन टू ब्लू कलर. ओके स्टार्ट. नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर में नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो आपका है जो हल्दी हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है. दिस हल्दी और यू कैन से टर्मरिक, एज अ स्पाइस यूज की जाती है घरों में. इट इज ऑल्सो वर्क एज एन इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करती है क्योंकि पेस्ट के प्रेजेंस में इस नेचुरल कलर इज ऑरेंज येलो इन कलर. जो इसका एक न्यूट्रल कलर है या नेचुरल कलर है एसिड के प्रेजेंस में इट्स कलर डजेंट चेंज. सो व्हेन वी ड्रॉप सम एसिड इन इट और सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर मिक्स्ड इन इट कलर रिमेन्स अनचेंज्ड. और जब हम इसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हैं, बेस के ड्रॉप्स उसमें डाल देते हैं तो इसका जो ऑरेंज येलो कलर है इट विल चेंज इनटू डार्क रेड इन कलर और यू कैन से रेड ब्राउन इन कलर. तो बेसिकली क्या है, ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करेगी जो एसिड में अपने कलर को चेंज नहीं करती है और बेस के अंदर इसका जो कलर है इट विल चेंज इनटू रेड कलर. ओके. थर्ड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल टी कहते हैं हिंदी में. गुड़हल के जो रेड कलर के फूल होते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसका हम बायोलॉजी में डिसेक्शन भी करते हैं बेसिकली. तो हिबिस्कस के फ्लावर्स को लिया जाता है और फ्लावर्स का जो एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है उसमें से जो लिक्विड निकाला जाता है उसको पीस लिया जाता है और पीस के उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है उसको इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं. तो बेसिकली इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पिंक कलर होता है एंड इन एसिड इट कलर रिमेन्स अनचेंज्ड. जो इसका पिंक कलर है वो पिंक का पिंक ही रहेगा बट इन बेस इट विल बी चेंज इन टू ग्रीन कलर. सो इट इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर. आपको अगर कोई एसिड दिया गया है और आप उसमें हिबिस्कस का आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है. अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो एसिड है, अगर उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है देन इट विल बी अ बेस. ओके. नाउ फोर्थ नेचुरल इंडिकेटर विल बी रेड कैबेज. रेड कैबेज वी हैव सीन इन मार्केट. लाल कलर की एक कैबेज होती है, जैसे आपकी पत्ता गोभी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ऐसे ही मार्केट में आपको रेड कलर का कैबेज भी मिलता है जिसको हम रेड कैबेज कहते हैं. एंड इफ दिस रेड कैबेज इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर, आप क्या करेंगे उसके लीव्स लेंगे रेड कैबेज के, उन लीव्स को पीस कर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, उसमें से जो लिक्विड निकलेगा दैट लिक्विड विल बी यूज एज एन इंडिकेटर. इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पिंकिश रेड होता है क्योंकि ऑलरेडी जो रेड कैबेज है इट इज डार्क रेड इन कलर, तो इसके जो एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा वो आपका पिंकिश रेड कलर का एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा. तो एसिड की प्रेजेंस में इट विल रिमेन सेम, जो पिंकिश रेड कलर है उसका पिंकिश रेड कलर ही रहेगा बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल बी चेंज इन टू ग्रीन कलर. तो इसको हम एज एन इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं. नाउ जो फिफ्थ है, लास्ट वन है नेचुरल इंडिकेटर में, इट इज हाइड्रेंजिया. हाइड्रेंजिया बेसिकली ये एक प्लांट है जो कि सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वेदर द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो हाइड्रेंजिया जो है, अगर हमने किसी भी सॉइल में, मान लो कि किसी सॉइल में बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की सॉइल हो गई है, तो उसके अंदर जो इसमें जो प्लांट आप लगाओगे जब फ्लावर खिलेंगे वो ब्लू कलर की फ्लावर्स होंगे. और अगर आपने किसी भी बेसिक सॉइल में इसको लगा दिया है जहां पर सॉइल बेसिक हो रही है और इसके जो प्लांट है उसके जो फ्लावर आएंगे वो रेड कलर के फ्लावर आएंगे. तो बेसिकली हमने स्टडी किए पांच तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स. फर्स्ट वन वॉज लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन इज बेसिकली अ एक्सट्रैक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइकेन प्लांट. लाइकेन प्लांट इज अ प्लांट ऑफ थैलोफाइटा विच इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगस. उसके एक्सट्रैक्ट को हमने लिटमस सॉल्यूशन की तरह यूज किया. लिटमस सॉल्यूशन इज बेसिकली अ नेचुरल डाई. न्यूट्रल इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है
पर्पल कलर को ब्लू में कुछ सब्सटेंस मिला के, कुछ केमिकल्स मिला के ब्लू और रेड में डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको चेंज कर दिया जाता है। अगर हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यूज किया है तो एसिड की प्रेजेंस में इट विल चेंज इनटू रेड कलर, बट इट विल नॉट चेंज देयर कलर इन केस ऑफ बेस। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया उसके अंदर कोई बेस ऐड कर दिया या बेस सॉल्यूशन लिया आपने उसके अंदर बेस ऐड कर दिया, इट विल नॉट चेंज कलर। इफ यू आर टेकिंग रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस पेपर आपने उसके अंदर कोई बेस डाला, ठीक है, इट विल चेंज इट्स कलर टू ब्लू। ये तो था लिटमस। सेकेंड इंडिकेटर्स वी हैव यूज्ड हियर वाज टर्मरिक और हल्दी, जो कि आपके घरों में भी होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके कपड़ों पे रेड कलर के हल्दी के येलोइश दाग लग जाते हैं आप जैसे ही उस पर सोप अप्लाई करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, जो ड्रॉप है जो आपने दाग लग गया है वो डर्ट जो है वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि सोप क्या है, बेसिकली इट इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं तो हल्दी एज एन इंडिकेटर वर्क करती है एंड इट्स कलर विल चेंज टू रेड, रेडिश, एकदम रेडिश कलर का हो जाता है। थर्ड वी हैव डिस्कस अबाउट हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया इज बेसिकली द प्लांट विच इज यूज टू चेक द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। इफ इट इज एसिडिक सॉइल इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आएंगे, इफ इट इज बेसिक सॉइल इट विल रेड कलर फ्लावर्स। एक और इंडिकेटर हमने डिस्कस किया था, इट वॉज हिबिस्कस और इट वॉज गुड़हल। तो उसके लीफ के एक्सट्रैक्ट को हमने यूज किया था, लीफ का जो फ्लावर है उसके एक्सट्रैक्ट को हमने जब यूज किया तो एसिड की प्रेजेंस में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। जो लास्ट वन हमने डिस्कस किया था वो था रेड कैबेज। रेड कैबेज बेसिकली उसका जो लीफ होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट को हम ले लेते हैं, जो कैबेज होता है उसको पीस लेते हैं लीफ निकाल के, और उसके वजह से जो एक्सट्रैक्ट निकल के आता है उसको एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में उसका जो पिंकिश रेड कलर था वो सेम रहता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। तो डेट वॉन्ट इट वॉज ऑल अबाउट नेचुरल इंडिकेटर। आपने समझ में आया होगा, कोई भी क्वेरी होती है यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिंथेटिक इंडिकेटर।